हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों फिर से मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम कौन से टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पर एनालॉग एंड सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, उसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखो दोस्तों डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर एनालॉग एंड सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो आसाम का रिलेशन बिहू के साथ दिया है, और हमको केरल का रिलेशन ऑप्शन में से ढूंढना है। तो दोस्तों देखो आसाम का रिलेशन बिहू के साथ दिया है, यानी क्या कि देखो दोस्तों जो आसाम होता है उसका लोक नृत्य क्या होता है दोस्तों, बिहू होता है। क्या होता है? बिहू होता है। यानी क्या दोस्तों, जो आसाम है उसका लोक नृत्य क्या दोस्तों, लोक नृत्य क्या होता है? बिहू होता है। तो दोस्तों इसमें देखो हम क्या करेंगे, अब जो केरल होता है उसका लोक नृत्य ऑप्शन में से ढूंढेंगे। तो देखो दोस्तों जो केरल होता है, ओके क्या दोस्तों, जो केरल होता है उसका लोक नृत्य क्या होता है दोस्तों, हर बच्चे को पता है उसका लोक नृत्य कथकली होता है। क्या होता है दोस्तों? कथकली। और कथकली कौन से ऑप्शन पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए पर। यानी क्या दोस्तों कि केरल का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? कथकली के साथ। और कथकली कौन से ऑप्शन पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए पर। यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो कितने विद्यार्थी दिए, 6 विद्यार्थी है। कौन से? ए बी सी डी ई तथा एफ, ये 6 विद्यार्थी दिए, और ये एक पंक्ति में खड़े है। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े है। इसमें देखो बी एफ तथा डी के मध्य में है। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पर जो बी दिया है, ओके दोस्तों कौन? बी ओ एफ और डी के बीच में है। ओके दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन दी है यहाँ पर। फिर देखो ई ए तथा सी के मध्य में है। ओके दोस्तों, क्या जो ई है वो ए और सी के मध्य में है, ये सेकंड कंडीशन हुई। ओके दोस्तों, ये सेकंड कंडीशन है। फिर थर्ड कंडीशन क्या दी है, देखो ए जो है वो एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा है। यानी क्या दोस्तों, जो ए है वो एफ और डी के दोनों के बगल में यानी साइड में नहीं खड़ा है। ओके दोस्तों, यानी क्या कि ये जो है वो यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, फिर देखो इसमें पूछा क्या है, देखो फिर देखो नेक्स्ट कंडीशन देखो। ओके दोस्तों, सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, जो सी है वो डी के भी बगल में खड़ा नहीं है। यानी क्या दोस्तों, जो ये सी है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो सी कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यानी क्या दोस्तों, 6 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर ई, यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर एफ, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी, इस तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो एफ ये जो है वो एफ तथा डी के बगल में नहीं खड़ा, यानी एफ और डी के बगल में यानी साइड में नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, यानी जो सी है वो भी। ओके दोस्तों, इसमें देखो, फिर देखो दोस्तों इसमें पूछा क्या है वो देखो। तो देखो इसमें जो एफ है, एफ किन के मध्य में खड़ा है, ये हमको पूछा है। यानी क्या दोस्तों, जो ये एफ है ये किन दो अल्फाबेट के बीच में खड़ा है, ये हमको पूछा है। तो इसमें देखो ये जो एफ है वो कौन से दो अल्फाबेट के बीच में खड़ा है? सी और बी के बीच में खड़ा है। ओके दोस्तों, यानी क्या कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड बी हो जाएगा। और सी एंड बी कौन से ऑप्शन पर दिया है हमको? ऑप्शन नंबर सी पर। यानी क्या है दोस्तों कि जो एफ है वो सी और बी के बीच में आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी एंड बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो जो सुभाष है कौन? सुभाष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 15। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। कितना? 15 किलोमीटर। ये समझो इतना कितना हुआ? 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। ओके दोस्तों, फिर देखो
फिर उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। ओके दोस्तों, कौन सी दिशा में? उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, यानी ये उत्तर दिशा और ये 15 किलोमीटर जाता है। ओके दोस्तों, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। ओके दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन सी दिशा में? पश्चिम की। उत्तर दिशा में जाने के बाद 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके दोस्तों, फिर देखो क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने ड्रॉ कर लिया। फिर देखो इसमें पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमको पूछा है। ओके दोस्तों, यानी क्या कि जो सुभाष है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हमको पूछा है। तो देखो दोस्तों, इसमें देखो ये जो डिस्टेंस दिया है हमको, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है। ओके दोस्तों, उसी तरह देखो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों ये वाली जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, इनका डिस्टेंस सेम है इसकी वजह से। ओके दोस्तों, तो देखो ये जो ये कितना है? 15 है। तो जो सुभाष है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर कौन से ऑप्शन पर दिया है आपको? ऑप्शन नंबर ए पर। यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? डाइस के ऊपर बेस क्वेश्चन। इसमें देखो एक पासे को 4 बार फेंका जाता है। यानी क्या दोस्तों कि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, यानी उसकी 4 स्थितियां दर्शाई गई है हमको। 1, 2, 3 और ये 4। ओके दोस्तों, चारों स्थितियां अलग अलग आती है, यानी जो ये चारों स्थितियां दी है वो अलग अलग आई है। ओके दोस्तों, जो नीचे दी गई है तब, ओके दोस्तों, तब इसमें 2 के विपरीत संख्या बताइए हमको पूछा। यानी क्या दोस्तों कि एक पासे को 4 बार फेंका गया है, तो 4 बार फेंकने के बाद उसकी उसकी जो स्थिति है वो अलग अलग आई है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है और इसमें पूछा गया है कि जो 2 है, इन डाइस में जो 2 दिया है उसके विपरीत संख्या कौन सी आएगी, ये हमको पूछा है। ओके दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों? इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए कि जल्दी फास्ट आंसर निकालने के लिए 2 ऐसे डाइस चुनना चाहिए जो कि उन 2 डाइस में 2 नंबर्स सेम हो। ओके दोस्तों, यानी कि क्या कि जो जिस नंबर का अपोजिट अपोजिट संख्या पूछिए, विपरीत संख्या पूछिए, वो छोड़कर दूसरे 2 नंबर्स सेम होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसमें देखो कि अगर आप तो देखो फर्स्ट वाला डाइस और थर्ड वाले डाइस में 3 और 4 क्या है दोस्तों? सेम दिए। ओके दोस्तों, 3 और 4 सेम दिए। तो देखो दोस्तों, और जो यहाँ पर 2 और 5 दिया, यानी क्या इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर 2 डाइस में 2 नंबर सेम हो तो जो थर्ड वाला नंबर होता है वो दूसरे डाइस के थर्ड वाले नंबर के अपोजिट हो जाता है। यानी क्या दोस्तों कि इसमें जो 2 दिया इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी क्या दोस्तों कि 2 के विपरीत संख्या क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 कौन से ऑप्शन पर दिया है आपको? ऑप्शन नंबर बी पर। यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? मिरर इमेज के ऊपर बेस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन फिगर दी है, जो क्वेश्चन फिगर है इसको अगर हम मिरर में रखते हैं तो किस तरह दिखेगी? देखो ये लाइन तो एज इट इज रहेगी। ओके दोस्तों, फिर देखो ये जो बड़ी लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से इस तरह स्ट्रेट आएगी, फिर इस तरह ये नीचे में चली जाएगी। ओके दोस्तों, फिर देखो ये ऊपर जाएगी और ये, ओके दोस्तों, ये इस साइड में मुड़ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस टाइप की डायग्राम कहाँ पर बनेगी दोस्तों? इस टाइप की डायग्राम मिरर में बनेगी। और इस टाइप की डायग्राम आपको कौन से ऑप्शन पर दिख रही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहे होगी। ओके दोस्तों, यानी क्या दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों,
तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका। तो आई होप दोस्तों ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।